अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहे। और अब मैं आ गई हूँ डाइनिंग टेबल के पास आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये देखिए ये मैंने क्या लगाया हुआ है। पहचान करिए, पहचान लिया आपने ये किस चीज़ का पौधा है। देखिएगा, बताइए मुझे, नहीं पहचाना। चलिए मैं बता देती हूँ। तो देखिए, ये मेरे पास रखी हुई थी मूली, और मूली के ऊपर जो थोड़ा सा पत्ता उग जाता है और फ्लावर बन के आता है, तो मैंने उसको फेंका नहीं था, तो वो मुझे अच्छा लग रहा था और ये माशाल्लाह से बढ़ता चला गया था। तो ये देखिए, मैंने इसको एक पानी की बोतल में भर के और उसको उसके अंदर डिप कर दिया था। ये देखिए, इसमें मूली है थोड़ी सी लगी हुई, और ये देखिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और छोटे छोटे इसमें आने लगी हैं कलियाँ, और एक फूल निकल गया है। ये रहा देखिए, ये पर्पल कलर का फूल है ये, और बाकी फूल आएंगे। ये कितनी सारी कलियां खिल रही है माशाल्लाह से। चलिए अब घर का जल्दी से काम कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे तो है नहीं यहाँ पे, और तब बच्चे आएंगे तो अपना काम से फ्री हो जाऊंगी। तो जल्दी से काम कर लेती हूँ। दस मिनट बच्चों को हो गई है गए हुए, और ये देखिए थोड़ी सी ख़राब हो गई है, पन्नी में रखे हुए थे ये, और कुछ ख़राब दे भी देते हैं वो। चलिए इसको तो मैं धो के रखती हूँ, और बाकी अब मैं सारे काम करती हूँ। इसको मुझे धोना है, वैसे लेके चलती हूँ। किचन में, और अभी देखिए मेरा किचन में भी काम नहीं हुआ है, मेरे बर्तन भी नहीं धुले हैं, थोड़े से हैं। चलिए कोई नहीं, मैं अभी धो लेती हूँ उनको। बर्तन मेरे धुल गए हैं, और अब मैं ये कपड़े हैं कुछ, ये कपड़े समेट लेती हूँ। इनकी मैंने ये तय बना दी हैं, इनको ठिकाने से रखती हूँ। कुछ कपड़े प्रेस के हैं, वो प्रेस करती हूँ। और अब मैं चलती हूँ इस वाले रूम में। इसकी अभी साफ़ सफाई नहीं हुई है, साफ़ सफाई तो अभी किसी भी रूम की नहीं हुई है। और ये देखिए आप, ये ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है, अपने सारे बर्तन। और ये देखिए आफिया, ये सैंपिल, चाहे मेरी सैंपिल हो या खुद की हो, वो सैंपिल पहनते नहीं, उनको अच्छी नहीं लगती सैंपिल पहनना, वो इनको खेलती हैं, खेल में इस्तेमाल करती हैं। और बाकी अपने सभी चीज़ें सब फैला के, ये देखिए, ये देखिए ये खाना बनाती हैं इनसे। अब मैं इनको समेटती हूँ जल्दी जल्दी। मैंने उनसे कहा हुआ है कि तुम इसमें रखा करो, तो इसमें देखिए ये सब भरे हुए हैं, बाकी सारे मैं समेट के रखती हूँ। और यहाँ की चादर भी चेंज करूँगी, क्योंकि ये हो गई थी बहुत ज़्यादा गंदी, तो मैंने इसको उल्टी करके बिछा दी थी। वैसे मेरी मम्मी मना करती हैं कि कभी भी चादर उल्टी करके नहीं बिछानी चाहिए, लेकिन मैंने बिछा दी है। और इस रूम की मैंने साफ सफाई कर दी है। ये देखिए यहाँ की मैंने साफ सफाई सब कर दी है। और ये देखिए डाइनिंग टेबल तो मेरी साफ हो गई है पूरी। और ये देखिए अब हमारी आफिया भी स्कूल जाने लगेंगी, आफिया का एडमिशन हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है। अब के हम आरिश के स्कूल में आफिया का एडमिशन कराएंगे, आफिया का स्कूल, आरिश का स्कूल एक हो जाएगा। आरिश की कुछ टीचर आई थी और सर आए थे, और आफिया के बारे में बात करके गए थे। वो और भी जगह आए थे और हमारे यहाँ भी आए थे, और काफ़ी अच्छा स्कूल है आरिश का माशाल्लाह से। अभी तक आरिश जिस जिस स्कूल में भी गए हैं, बहुत ही अच्छे स्कूल थे सभी। आरिश माशाल्लाह से निदा में भी गए थे फर्स्ट टाइम, और उसके बाद में बचपन प्ले स्कूल में गए थे, फिर उसके बाद में रेडिकॉन में गए थे एक बार, रामा में भी गए थे, कई सारे स्कूलों में गए थे आरिश। लेकिन जो भी जिस भी स्कूल में गए थे, बहुत ही अच्छे स्कूल थे वो। इसमें मैं अपने आरिश को पहचान रही हूँ कि कहीं आरिश दिख जाए, पर आरिश मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही, मैं बहुत ज़्यादा ढूंढ रही हूँ। आप लोगों को दिख रहे हैं कहीं आरिश? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आरिश की पहली फ़ोटो, रेडिकॉन की फ़ोटो, आरिश की कैसी थी स्कूल की, ये देखिए। मैं अपने से फोटो निकालती हूँ, ये देखिए
यार इसकी प्रिंसिपल थी और ये टीचर थी स्कूल की, और ये आरिश है, ये भी आरिश है, और यहाँ भी मैं आरिश को ढूंढ रही थी। आरिश कहाँ है? ये देखिए, मैं यहाँ भी ऐसी ढूंढ रही थी कि आरिश कहाँ है। ये रे आरिश, ये दिख गए, ये रे, कि सब पीछे खड़े हुए छुप के। और उससे पहले की ये है रेडिकॉन की, ये देखिए आरिश। और यहाँ पे कहाँ है आरिश, यहाँ ढूंढती हूँ कहाँ है आरिश, कहाँ है, ये रे आरिश। इसमें आरिश के कुछ दोस्त हैं, मुझे इनके नाम तो पता है, अदनान अक्सान, शायद इनमें से ये हैं, अदनान अदनान अक्सान। और अब तो माशाल्लाह से ये बच्चे भी काफी बड़े हो रहे हैं, कार चला लेते हैं ये बच्चे, अदनान अक्सान। ये देखिए हमारा आरिश। और आप लोगों को मैं आरिश की एक बचपन की फोटो दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए आरिश माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे थे, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे थे आरिश हैं। ये देखिए यहाँ बैठे हुए हैं, ये देखिए। और चलिए मैं अभी इनको रखती हूँ, जल्दी से अपना करती हूँ घर का काम। ये देखिए मैंने बिछा दी है अब यहाँ पर भी बेडशीट, पूरे रूम की साफ सफाई हो गई है, डस्टिंग वगैरह भी कर ली है मैंने। और अब मैं चलती हूँ बाहर, मैं करती हूँ बाहर का काम। कपड़े वगैरह तो मैंने यहाँ से समेट लिए हैं, सब रख दिए हैं अलमारी में, और अब मैं बिछाती हूँ यहाँ पे सोफे के कवर। सोफे के कवर मैंने बिछा दिए हैं, ये देखिए, और मेरे एक दो सोफे के कवर गुम हो रहे हैं, वो अभी मुझे मिले नहीं है, वो मैं बाद में बिछाऊंगी। और ये मैं डाइनिंग टेबल की कर लेती हूँ जल्दी से डस्टिंग। और ये देखिए हमारा छोटा सा टेबल हो गया है तैयार डस्टिंग करके। बच्चे कहते हैं हमारे कि मम्मी ये छोटा सा डाइनिंग टेबल है हमारा, हम इस पे खाना खाते हैं ना। और ये देखिए हो गया है मेरा यहाँ का सारा साफ, हो गया है मेरा यहाँ कंप्लीट सब। और अभी मेरा एक काम बाकी है, अभी मुझे करनी है इस पौधे की डस्टिंग। ये देखिए इस पे धूल हो गई थी, दो रोज से मैंने की नहीं थी इसकी डस्टिंग, तो देखिए ये तीसरा रोज आज मैं करती हूँ इसकी डस्टिंग। ये देखिए मैंने कर लिया है कपड़ा थोड़ा सा गीला, और अब मैं करती हूँ इसकी डस्टिंग। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा हो गया है। ये देखिए मैं करती हूँ बाकी सारे ऐसे ही। और ये देखिए मेरे आधे हो गए हैं और आधे नहीं हुए अभी, ये देखिए पहले का देखिए और अब का देखिए, कितने अच्छे लग रहा ना हुआ हो के साफ। और ये देखिए पहले के, अब मैं करती हूँ इनको भी साफ। और ये देखिए मेरा हो गया है पूरा कंप्लीट, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है साफ करने के बाद में। और वैसे मैं इसको नहला भी देती हूँ, लेकिन आज मैंने इसको सिर्फ साफ कर दिया है डस्टिंग करके, क्योंकि ये कह रहे थे कि मुझे सर्दी लग रही है, मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, कभी सर्दी और कभी गर्मी, पता नहीं चल रहा अभी मौसम क्या चाह रहा है। तो ये देखिए, और अब मैं हो गई अपने सभी काम से फ्री, मेरा अंदर का भी काम हो गया है, बाहर का भी हो गया है, और अब मैं चलती हूँ खाना लेने के लिए। और अब मैं हो गई हूँ सभी कामों से फ्री,
तो अब मुझे लगी है बहुत ज़्यादा भूख और अब मैं खाना खाने बैठती हूँ। आइए आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ खाना। और ये देखिए मैं ले आई हूँ चावल और इसके साथ में है कढ़ी। जी जिसको कढ़ी चावल खाने हैं आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ खा लीजिए। खाने पीने से हो गए हैं फ्री और सभी काम से हो गए हैं अब हम बिल्कुल फारिग। और अल्लाह का शुक्र है सारा काम मेरा टाइम से हो गया था। मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, मुझे बहुत सारे और भी काम करने थे बाकी, मैंने छोड़ दी है वो कल के ऊपर, मैं कल ही करूँगी वो। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है बताया करें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।